नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा? सभी अच्छे हैं ना? बेटा, हमने आपके हिंदी व्याकरण बुक का पार्ट नंबर 3 शुरू किया था, जिसका नाम है वर्ण और हमारी वर्णमाला। अब तक हमने पढ़ा था कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या होती है, और वर्णों के दो प्रकार कौन से हैं, स्वर और व्यंजन, जिसमें हमने स्वर के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से कुछ स्थानों से टकराकर बाहर निकलती है, तथा वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कि जब हम उन्हें बोलते हैं, व्यंजन को बोलते हैं, जिन वर्णों को बोला जाता है, उसमें क्या होता है कि जब हम हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है, हवा निकलती है, तो वो कहीं से टकराती है, यानी मुंह के अंदर ही वो कहीं ना कहीं टकराती है, कभी जिह्वा से, दंत से, तालू से, मूर्धा से, इस तरह से। ठीक है, और इनमें क्या होता है कि हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर कौन से होते हैं, अ आ ई ई, इस तरह से। ठीक है बेटा, तभी एक व्यंजन बनता है। जिस प्रकार देखिए, ये क के नीचे जो हलंत है, यानी कि ये स्वर रहित क है, अगर हम इसमें अ स्वर को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, क व्यंजन। इसी तरह से ख जमा में अ, ख व्यंजन। ठीक है, फिर है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के योग से बनते हैं, यानी कि जब दो व्यंजनों को मिलाया जाता है तो संयुक्त व्यंजन बनते हैं। इसमें पहला व्यंजन तो स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। ठीक है, जैसे क जमा में श, अब ये क जो है ये स्वर रहित है क्योंकि इसके नीचे हलंत है, और ये क्या है, श षटकोण, यानी जिसके अंदर अ स्वर मिला हुआ है। अब क जमा श को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, अक्ष, और जिससे क्या शब्द बनेगा, कक्षा। इसी तरह से त जमा में र, त्र, त्रिशूल, श जमा में र, श्र, श्रवण। ठीक है, और ज जमा में ञ, ज्ञ, यज्ञ। ठीक है, ज जमा में ञ, ज्ञ, यज्ञ। ठीक है बेटा, फिर है प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण अनुनासिक होता है। अनुनासिक अपने ही वर्ग के वर्णों से मिलते हैं, जैसे गंगा, ठीक है, कंधा, बंदर। अब क्या कहा गया है कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण अनुनासिक होता है। अनुनासिक कौन सा होता है, जिस पर क्या होता है, अंग की मात्रा का प्रयोग होता है, यानी कि बिंदु लगाया जाता है। ठीक है, फिर है कुछ संयुक्त अक्षर, जब अलग अलग दो व्यंजनों को मिलाकर एक नवीन शब्द का निर्माण होता है, यानी दो व्यंजनों को मिलाते हैं जब, तो एक नए शब्द का निर्माण होता है, वह संयुक्त अक्षर कहलाता है। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित, दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है, जैसे कि पहले हमने संयुक्त व्यंजन बनाए थे। ल जमा में प, आधा ल और प क्या बन गया, प, तो स्वल्प, तो इस तरह से हम अक्षर बनाते हैं। फिर आधा क जमा में ख, मक्खन, मक्खी, च जमा में छ, स्वच्छ, अच्छा, न्य, कन्या, संन्यास, त्य, सत्या, आदित्य। ठीक है, इस तरह से हम अन्य संयुक्त अक्षर बनाते हैं। इसके बाद है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन कौन सा होता है, एक ही व्यंजन जब एक साथ दो बार आता है तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। किस प्रकार से, ज जमा में ज, अब ये आधा ज, यानी कि जो पहला जो ज है वो स्वर रहित है और जो दूसरा ज है वो स्वर सहित है, तो क्या बन जाएगा, सज्जन। ऐसे कक, पक्का, मक्का, सच्चा, बच्चा, दिल्ली, बिल्ली। ठीक है, वर्ण विच्छेद किस प्रकार से करते हैं, शब्दों को स्वर तथा व्यंजनों के आधार पर अलग अलग लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे राष्ट्रीय को हम किस प्रकार से इसका विच्छेद करेंगे, यानी कि इसको अलग अलग तोड़कर लिखेंगे। सबसे पहले देखिए, ये र है, र के अंदर क्या है, अस्वर है, आ कम आ की मात्रा है, तो यानी कि आ स्वर का प्रयोग किया गया है, आधा र जमा में आ रा। फिर है ये देखिए आधा श, आधा शब्द हम किस प्रकार से लिखते हैं, इसके नीचे हलंत लगाकर। फिर है ट, ट कैसा है, उसके नीचे र है, तो आधा ट जमा में र और साथ में बड़ी ई का, ई की मात्रा है और ई का स्वर है। ठीक है, फिर है य, य जमा में अ, राष्ट्रीय। ऐसे ही विद्यार्थी, व जमा में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वी।
फिर है ध्य, कैसे बनता है, आधा द जमा में आधा य और आ की मात्रा ध्या। फिर है थी, विद्यार्थी, र, पहले र आया हुआ है आधा र, फिर है थ को बड़ी की मात्रा, आधा थ जमा में बड़ी ई। इस प्रकार से हम वर्णों को विच्छेद करके लिखते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, कल हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। हैव ए नाइस डे।